आप लोगों को जरा भी आइडिया है कि माइनक्राफ्ट कम्युनिटी में क्या काले कांड हो रहे हैं? सेनपाई स्पाइडर, जिसको तुम एक ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर और पीवीपी गॉड मानते हो, कैसा लगेगा अगर आपको मैं कहूं कि ये सब एक आंखों का धोखा है? सेनपाई ने रिसेंटली 400K सब्स पे एक टेक्सचर पैक दिया है जिसमें उसने कहा है कि इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अब तक कम्युनिटी में किसी ने नहीं करी है, ठीक है। उसका कहना यह है कि इस टेक्सचर पैक में बहुत सारी चीजें हैं जो सिर्फ उसने खुद बनाई हैं, बट इन रियलिटी ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। लेकिन सेनपाई स्पाइडर को तुम लोगों के ब्रेन के साथ बहुत अच्छे से खेलना आता है और वो ऐसा कर भी रहा है। बट सेनपाई, योर गेम इज ओवर। इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अब तक कम्युनिटी में किसी ने नहीं करी, ठीक है। मतलब कि भाई सेनपाई स्पाइडर का कहना है कि ये जो टेक्सचर पैक है ये सिर्फ इसी बंदे ने बनाया है और इसमें जितने भी टेक्सचर्स हैं वो कभी किसी ने बनाए ही नहीं है। बट इन रियलिटी इसका ये टेक्सचर पैक चोरी का है। अभी अगर यूट्यूब पे जाकर आप सर्च करोगे एनिमेटेड आइटम पीवीपी टेक्सचर पैक फॉर माइनक्राफ्ट, तुम लोगों को बहुत सारे आर्टिस्ट मिल जाएंगे जिन्होंने खुद वो टेक्सचर पैक दो दो चार चार साल पहले ही यूट्यूब पे अपलोड कर रखे हैं। और ये बहन का घोड़ा कहता है कि ये मैंने बनाया है, वो मेरा है एंड कभी किसी ने बनाया ही नहीं है। रुको, मेरे को सही अपनी आवाज में आने दो। अब तू गया सेनपाई, देख तू गया अब। और ये तो छोड़ो, मेन चीज ये है कि इस बंदे ने ये पैक भी किसी टेक्सचर पैक आर्टिस्ट का चोरी किया है एंड वो आर्टिस्ट के क्रेडिट इसने अपने वाले पैक से हटा दिया एंड उस पैक को थोड़ा बहुत एडिट करके अपनी ऑडियंस को ये कह के चेप रहा है जैसे पता नहीं क्या ही अमृत दे रहा हो। अरे टेक्सचर पैक तो छोड़ो, इसकी वीडियो तक बाहर के यूट्यूबर से एग्जैक्ट कॉपी होती है। वेट करो, इस बात पे तो इसको मैं लास्ट में लपेटूंगा विद प्रूफ्स। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूं कि इस ने कैसे ये टेक्सचर पैक बनाया है, सॉरी बनाया नहीं चोरी किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल गूगल पे जाओ, जो जो टेक्सचर पैक में आपको चीजें चाहिए वो सर्च करो, लाइक माइनक्राफ्ट एनिमेटेड आइटम टेक्सचर पैक, माइनक्राफ्ट स्वॉर्ड टेक्सचर पैक एंड देन सो ऑन, जो आपको चाहिए। देन उसके बाद जो पहले नंबर पे वेबसाइट या वीडियो आएगी वहां से आप उसको डाउनलोड कर लो। देन एक फोल्डर बनाओ चोर स्पाइडर नाम से जिसमें सारे टेक्सचर पैक एंड रिसोर्स पैक डाल दो, बस आपका काम खत्म। बट वेट वेट वेट, उस फोल्डर में जिन जिन आर्टिस्ट ने ये मेहनत से टेक्सचर पैक बनाए हैं उनका नाम हटाना मत भूलना, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। बिकॉज उसका नाम दिख जाएगा तो कैसे बोलोगे कि ये मेरा खुद का बनाया हुआ है। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि ओके सेनपाई, तूने कहा है कि ये तेरा है, ठीक है, बट तेरा ये कहना कि इस इंडस्ट्री में सिर्फ ये तूने ही बनाया है और रियल आर्टिस्ट का क्रेडिट खा जाना, उस चीज ने मेरे को मजबूर किया इस वीडियो को बनाने के लिए। भाई एक बार तू उन आर्टिस्ट के बारे में तो सोचता। लाइक तुम लोग सोचो कि स्कूल में मैम ने तुम सभी लोगों को एक प्रोजेक्ट दिया है और जिसका प्रोजेक्ट यूनिक एंड क्रिएटिव होगा वो फर्स्ट नंबर पे आएगा। अभी तुम लोग 20 दिन से एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, दिन रात उस पे मेहनत कर रहे हो, बट प्रोजेक्ट सबमिटिंग के एक दिन पहले स्पाइडर मकरा नाम का क्लासमेट तुम्हारा आइडिया कैसे ना कैसे चुरा लेता है और सबसे पहले मैम को प्रोजेक्ट देने के बाद कहता है कि मैम ये मैंने बनाया और बाकी लोगों ने मेरे से कॉपी किया है, तो उस टाइम पे आप लोगों पे क्या बीतेगी वो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। और सेनपाई मैं सिर्फ तुम्हें एक चीज कहना चाहता हूँ, भले ये टेक्सचर पैक तूने खुद बनाया या किसी से बनाया है उसका प्रूफ तू मेरे को डीएम कर देना, मैं उसी टाइम वीडियो को डिलीट कर दूंगा। बाकी इन माय ओपिनियन तूने खुद तो बनाया नहीं होगा, बिकॉज आई नो तेरे पे इतनी क्रिएटिविटी है भी नहीं है, क्योंकि अगर तेरे पे क्रिएटिविटी होती तो बाहर के यूट्यूबर से वीडियोस कॉपी नहीं करता। ये तो गाइस कुछ भी नहीं है, सेनपाई स्पाइडर ने तो बहुत सारे चैनल से बहुत सारी वीडियोस चेप रखी है और मैं ये ऐसे ही हवा में नहीं कह रहा हूँ, लिटरली आई हैव प्रूफ। सेनपाई ने 5 months पहले एक वीडियो डाली, आई ट्रैप द एंटायर एनसीपी इन द एंड, लेकिन इससे भी 3 months पहले मतलब कि 8 महीने पहले एक फॉरेन यूट्यूबर ने अपने चैनल पर वीडियो डाली है सेम टाइटल से और सेम टॉपिक से। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये नहीं है कि इसका सेम टाइटल है और सेम टॉपिक है, ये चीजें बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन यहाँ पे इस बंदे ने पूरी की पूरी वीडियो ही कॉपी कर रखी है। जैसे कि आप देख ही सकते हो सामने सारे के सारे सिनेमैटिक बिल्कुल एज इट इज सेम टू सेम है। लेकिन अभी जो आपको मैं दिखाने वाला हूँ ना, आप खुद समझ जाओगे ये कितना बड़ा चोर है। अभी आप इन वीडियोस के डायलॉग सुनो। दिस इज द एंडर ड्रैगन एंड दिस इज मी। ये है एक एंडर ड्रैगन और ये हूँ मैं। About to use 1000 end crystals to heal the ender dragon near infinitely, trapping the entire SMP in the end. About to use all my end crystals to respawn the ender dragon server के सबसे बड़े वॉर के बीच. And in just a few minutes, everyone here will die. And बस कुछ ही देर में सब मरने वाले हैं। हाँ, मरने तो हम वाले हैं तेरे चोरी कंटेंट देख-देख के। जैसे कि आप देख सकते हो इस बंदे ने एज इट इज बाहर की क्रिएटर की वीडियो कॉपी कर ली विद लाइन टू लाइन। मतलब कि ये सारी कॉपी वीडियो बनाने के बाद इतना फेम मिलने के बाद भी इसने अपने कंटेंट को इम्प्रूव नहीं किया है, बस कॉपी ही करता आ रहा है। और इतना ही नहीं, अभी 4 months पहले ही इसने ये वाली वीडियो डाली थी और गेस व्हाट, इसने ये वाली वीडियो भी कॉपी कर रखी है विद थंबनेल्स टाइटल्स एंड अंदर की स्टोरी एंड इसके सिनेमैटिक्स तक उसने कॉपी कर रखे हैं। अभी सारी वीडियोस यहां पे खोल के बैठ जाऊंगा तो मेरे को 1 घंटे की वीडियो बनानी पड़ेगी और भाई इस वीडियो में मैंने जितनी एडिटिंग की है ना, तो इससे ज्यादा डिजर्व ही नहीं करता।
बनाता। ये बंदा वीडियो से जुड़ा अपने वर्ल्ड तक खुद नहीं बनाता, फ्री में अपने अंधभक्तों से बनवाता है। हाँ, अब आता हूँ सेनपाई के कट्टर फैंस पे। अरे भाई इसके अंधभक्त, भाई मैं तुम अंधभक्तों से सिर्फ एक ही बात पूछना चाहता हूँ, तुम्हारी आंखों पे भाई किसी ने मूत रखा है क्या? भाई एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि इस मकड़े की पीवीपी एडिट डालने से अच्छा है कहीं और टाइम इन्वेस्ट करो, अपनी फेस वैल्यू बनाओ और अपने माँ बाप को प्राउड महसूस करवाओ। घर वालों ने तुम लोगों को इसलिए नहीं पैदा किया कि तुम एक मकड़े की पीवीपी एडिट बना करके यूट्यूब के सर्वर भरो। आई नो सेनपाई के फैंस मेरे को बहुत सारी गालियां देंगे कमेंट सेक्शन में, ओके तुम लोग दे सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिकॉज जिस बंदे में जिस तरह की अंडरस्टैंडिंग होगी वो वैसे ही तो वीडियो को लेकर चलेगा। तो हाथ जोड़ के तुम अंधभक्तों से निवेदन है कि आंखें खोलो फिर कुछ डिसीजन लो। एंड यही नहीं, कंटेंट के साथ साथ ये थंबनेल्स भी पूरे के पूरे कॉपी पेस्ट कर लेता है, लाइक यार बंदे को शर्म भी नहीं आ रही ये करते हुए। एंड गाइस आप लोगों के सामने ही है आपका सो कॉल्ड गॉड ऑफ स्पाइडर। आई नो आप लोगों इसको गॉड ऑफ स्पाइडर क्यों कहते हो, जस्ट बिकॉज हिज पीपी स्किल्स। अब ये भी रह गया यार एक्सपोज करने वाला। मैं नहीं कर रहा इस लप्पू को रोस्ट। क्या पीवीपी, इधर आओ। सेनपाई ने 5 मिनट पहले एक वीडियो डाली, बाय कलेक्ट 100 हेड इन माइनक्राफ्ट सर्वर। इस वीडियो पे 15 मिनट 40 सेकंड के आने के बाद यहाँ पे एक पीवीपी स्टार्ट होती है जिसमें कि सेनपाई के सामने 10 से भी ज्यादा बंदे होते हैं। एंड इसके बाद जैसे ये पीवीपी स्टार्ट हो जाती है इसके 16 मिनट 59 सेकंड पे आपको आना है। यहाँ पे देख सकते हो उसके हार्ट पूरे के पूरे फुल है। अभी इसकी नूपंती की वजह से ये हार्ट भी चले जाते हैं। गेस व्हाट, अगले ही सीन में इसके सारे हार्ट वापस आ चुके हैं। भाई वाओ मैजिक हो गया भाई, लिटरली इसको चार चार बंदे घेर के पेल रहे हैं और ये हाफ हॉर्ट्स पे कैसे बच रहा है। हम सभी को साफ साफ दिख रहा है कि ये बंदा फेक पीवीपी करता है, तो भाई लोगों ने ये बंदे को गॉड क्यों बना के रखा है। इस मकड़े से बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट क्रिएटर हैं जो रियल में सर्वर्स में गॉड पीवीपी करते हैं, उसमें से आधे तो मेरे दोस्त ही हैं, तो ये साला तो उनके सामने बैंगन है। अरे भाई सब कुछ फेक एंड कॉपी है इस बंदे का, इसके टेक्सचर पैक, इसकी वीडियोस, इसके थंबनेल्स, इसकी पीवीपी, इनफैक्ट इसकी वॉइस भी। हाँ जी हाँ गाइज, इसकी वॉइस भी इसके कंटेंट की तरह नकली है। प्रूफ चाहिए, लो देखो गाइज, यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास सेनपाई के चैनल की ही 2 वीडियोस है। एंड गाइज ये वाली जो वीडियो है ये बिल्कुल लेटेस्ट वीडियो है, इसमें इसकी पूरी की पूरी आवाज फेक है। और आयरनी सबसे बड़ी ये है कि इसने अपनी रियल और लप्पू सी आवाज में एक वीडियो डाल रखी है अपने चैनल पे। आओ तुम लोगों को मैं प्रूफ दिखाता हूँ, जल्दी आओ। बट मैं यहाँ पहुँचा कैसे, ये जानने के लिए हमको इस कहानी में 2 महीने पीछे जाना होगा। वॉटर मेरा और मेरे बेस्ट फ्रेंड रेक्सी का एक ट्रस्टेड टीममेट हुआ करता था। सबसे पहले आपको लेना होगा थोड़ा सा वुड, एंड थोड़े से मेरा मतलब है 5 लॉग्स। 5 आपके लिए काफी अच्छा रहेगा क्योंकि 5 से आप टूल्स बना सकते हो। ये तो टट्टी है। अभी ये मत कहना कि उसकी ऑडियो ये बहुत ही पुरानी ले रखी है, भाई कोई पुरानी नहीं है, 10-12 महीने पहले की है। और 10-12 महीने में इतनी वॉइस चेंज नहीं होती, हमारी भी वॉइस चेंज हुई है और लोगों की भी देखी है। तू क्या सेनपाई लोगों को बेवकूफ बना रहा है, और डेस्टी में जाके पिच वगैरह चेंज करके बेस बढ़ा करके कोई बंदा बड़ा नहीं लगता। और गाइस मार्केट में बहुत सारे ऐसे वॉइस चेंजर आते हैं जो रियल टाइम में वॉइस चेंज कर देते हैं। गाइस जैसे कि आपने देखा कैसे सेनपाई अपनी ऑडियंस को बेवकूफ बनाता है, वैसे मेरे पास इतनी सारी चीजें हैं दिखाने को विद प्रूफ, बट भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं है इसके लिए। क्यों मकड़ी भाई फेस रिवील कर दूं? और वो क्या सुनने में आ रहा है, तुम लोगों का कुछ स्कैमिंग ग्रुप? कुछ नहीं, डोंट वरी सेनपाई, मैं तेरा फेस रिवील नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि भाई मेरे इतने बेकार काम भी नहीं है, तेरे नीच काम भी नहीं है किसी के बिना पूछे उसकी आइडेंटिटी एक्सपोज करूँ। मेरा काम था जो तू लोगों को दिखा रहा है उसको एक्सपोज करना, बाकी बेटे अंदर की इन्फॉर्मेशन तो हम भी रखते हैं। गाइस मेन चीज ये है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ इस यूट्यूबर के साथ नहीं है, ये चीज एवरी माइनक्राफ्ट एसएमपी कंटेंट क्रिएटर के साथ है। जी हाँ, हर एक कंटेंट क्रिएटर के साथ। अगर फेक एसएमपी क्रिएटर पे रोज एंड एक्सपोज वीडियो चाहिए तो मेरे को जरूर बताना, सबको लपेटूंगा विद फैक्ट्स एंड प्रूफ्स। तब तक के लिए जय श्री राम।